After morning gym sessions, just came to the property and let me show you. मेरे previous vlog में आप लोगों ने देखा होगा इस painting को, तो ये ऊपर हो रही थी, अभी नीचे चालू होगी, ये ऊपर का almost done हो गया है, तो comment करके ज़रूर बताना कैसी लग रही है, जैसे वो ऊपर waves है, अभी नीचे बनेगी, and आपको मिलवाते हैं बेला से भी, यहीं कहीं होगी अंदर, बेला Bella, देखो, I, good morning, कैसे हो? किचन में ही बैठे रहते हो सारा दिन, हैं? पेट्टू भी बढ़ा लिया तुमने तो बहुत ज़्यादा। तो गैस इसके ये लगाया था, because यहाँ पे पीछे ना यहाँ पे बंबू के पास काटती रहती है ये, तो infection हो गई थी इसको। हाय मेरा प्यारा बच्चा, शकल तो दिखा। सो गाइस, जब भी मैं सुबह सुबह प्रॉपर्टी आता हूँ तो बेला ऐसे ही स्वागत करती है मेरा, एंड अभी इसको खाना देते हैं। सो गाइस, ये रहा बेला का खाना, दूध और रोटी दे रहा हूँ पहली मील इसको, और आजा कम। ये देखो शेक हैंड करेगी अभी, शेक हैंड आए प्यारा बच्चा। नो 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 नो, सिट बेला, स्टे। अभी इसको वैसे तो बहुत भूख लग रही है, तो ज़्यादा स्टे नहीं करवाऊंगा मैं। काटो काटो। सो गाइस, इनसे मिली हैं, ये हमारे करण कुमार मीना, जिनको हम प्यार से कालू जी कहते हैं, और आज ये हमारे लिए ब्रेकफास्ट में बनाएंगे एवोकाडो सैंडविच। तो अभी पाइनएप्पल कट कर रहा है, आज मैं ब्रोकली भी लेके आया, एवोकाडो भी लेके आया, तो कुछ बढ़िया सा सैंडविच टाइप बनाते हैं, फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, मुझे पता नहीं अंदर से कैसा रहता है, तो लेट्स सी ब्रेकफास्ट आज का। सो हे यूट्यूब फैमिली, दिस इज बूज एंड क्रूज एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज वेदर काफ़ी सनी है, एंड आज मैं सुबह सुबह जिम गया था तो काफ़ी मज़ा आया, तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सुबह भी जिम जाता हूँ, दोपहर को भी मतलब गया था कल, जैसे मैं दोपहर को गया था एंड फिर शाम को भी जाके देखा, तो मुझे लगता है कि मॉर्निंग टाइम बेस्ट है, बट उसके भी कुछ कौन है मॉर्निंग टाइम के, लाइक मैं बिना खाना खाए तो नहीं जिम जा सकता, तो वही तीनों टाइम जाके प्लान किया हूँ कि कौन से टाइम जिम जाना बेहतर रहेगा। एंड एज यू गाइज नो कि प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था काफ़ी पहले, एंड अभी भी थोड़ा बहुत फिनिशिंग का काम बचा है, तो उसी के सिलसिले में मैं बाहर आया हूँ अपने किसी वेंडर की ही गाड़ी लेके, तो लॉर्ड अल्टो भी बोलते हैं इसको, मतलब पहाड़ों की रानी बोलते हैं अल्टो को एक्चुअली। तो आज वेदर काफ़ी सनी है, एंड इसी सनी वेदर को मध्यम नज़र रखते हुए हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग बाइक राइड पर जाएंगे, एंड रात को ही प्लान कर लिया था कि कहीं पे जाते हैं, तो बट यही काम की वजह से जा नहीं पाए, तो बाकी देखते हैं आज के पूरे दिन में क्या करते हैं क्या रहता है। मैंने व्लॉग की शुरुआत भी उसी के अकॉर्डिंग की थी, एंड अभी मैं सोच रहा हूँ कि डेली व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, लाइक डेली व्लॉग डालूंगा, कुछ हैपनिंग होगा तो ज़रूर दिखाऊँगा, तो व्लॉग के लास्ट तक गाइस बने रहना, बाकी देखते हैं पूरे दिन में आज क्या सिनेरियो रहता है। एक रेनबो यहाँ पे है, और एक रेनबो यहाँ पे है।
ये देखो छोटा सा। वैसे तो पूरा आर्ट में भी बनता है, अगर इंस्टा पे फॉलो करते हो तो जाके देखना, मैंने एक पोस्ट डाली होगी। यहाँ से गाइस स्टार्ट हुआ था, यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे आया था, तो यहाँ पे रेनबो ऑलमोस्ट दिख ही जाता है एक दो दिन बाद हमें। बाकी क्लाउड्स की फॉर्मेशन चेक करो आज कितनी प्यारी हो रखी है, क्रेजी मैन क्रेजी। और सामने से स्ट्रीम बह रही है, तो एक्चुअली हमारे प्रॉपर्टी के सामने से स्ट्रीम बहती है यहाँ पे, तो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि ये स्ट्रीम से पानी तो ऊपर से लाइक साफ आता है, मगर कुछ लोग जैसे ना अभी मैं भी अगर बह रही है तो अगर मैं चाहूँ तो इसमें कपड़े भी धो सकता हूँ, मतलब लोग करते हैं ऐसा ना, जिसकी वजह से पानी गंदा हो जाता है। तो ऊपर से जो लोग कपड़े धोते हैं गाँव के, लाइक इसके ऊपर गाँव आते हैं आगे जाके ना, ये पहाड़ी देख सकते हो आप, तो यहाँ से पानी आता है कहीं से ना, पीछे से छोड़ते हैं वो लोग। तो अगर ऊपर कपड़े वपड़े धोएंगे तो ये पानी फिर पीने, मतलब अगर लोग ऐसा गंदगी ना करें ना, कचरा ना फेंके इसमें, तो ये पानी इतना साफ होगा ना, मतलब कि मैं पी भी सकता हूँ इसको। बाकी ये वाली पूरी पेंटिंग भी ऑलमोस्ट कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगी। तो कालू क्या राय है तेरी इस पेंटिंग के बारे में, कैसी लग रही है? नहीं, मतलब क्या समझ आ रहा है तेरे को इस पेंटिंग को देख के, मेरे को ये बता दे बस तू, मेरे को बस तेरे से ही रिव्यू जानना है कि तेरे को क्या समझ आ रहा है इस पेंटिंग को देख के। अच्छा यूं? हाँ यूं। मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये पेंटिंग। ना कालू दादा बहुत प्यारा है ये भी। एंड बाकी एक ये भी पेंटिंग है प्रॉपर्टी में, तो दिस इज गन्स एंड रोजी स्नेक्स, सो इट्स अ स्लैश। आई होप शायद कुछ लोगों को पता होगा जो थोड़ा रॉक म्यूजिक सुनते हैं। एंड वी गॉट सम ब्यूटीफुल नाइस क्लैप बॉक्स ऑल्सो, एंड एक गिटार भी मंगाया था अभी रिसेंटली हमने, एंड ऑल्सो वी गॉट सम बेलास बहु टुडे, बट बेला नहीं मिल रही हमें, कहाँ पे है बेला, तो इस रूम में सोती है वैसे तो। एंड आज ये काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, रेलिंग्स वगैरह, एंड ऊपर तो आप लोगों ने देख ही रखा है। वैसे शाम के हो रहे हैं अभी 5:30, एंड आज बहुत अच्छा भी लग रहा है, जस्ट बिकॉज मैं सुबह जिम चला गया, तो लाइक होता है ना सुबह जिम चले जाओ तो काफ़ी टाइम बच जाता है, लाइक पूरे दिन में मुझे जो भी चीज़ें करने रहती हैं उसके लिए काफ़ी टाइम बच गया। एंड आज वेदर बहुत प्यारा है, मतलब इस टाइम तो क्या ही बताऊँ। एंड अभी मैं बेला को ढूँढ रहा हूँ, बेला कहीं मिल तो नहीं रही है। बाकी आपको एक बार छत का भी व्यू दिखाता हूँ। अब भी एक्चुअली सिनेरियो इस जगह का ये है, हम लोगों ने सोचा तो था कि इस जगह पे भी कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे काइंड ऑफ कैफ़े भी, बट अभी इसका परमिशन का शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो लेट्स सी। हमारा प्लान तो एक्चुअली यहाँ पे ग्लास हाउस बनाने का था, जिसमें टेलीस्कोप वगैरह रखेंगे, बढ़िया प्रॉपर सेटअप करेंगे ताकि मस्त स्टार गेजिंग कर सके। बिकॉज जिस हिसाब के गाइस क्लाउड्स हैं ना यहाँ पे क्रेजी, एंड यहाँ पे ना मिल्की वे वगैरह भी दिखता है रात के टाइम, अभी अक्टूबर सीजन में तो बहुत ही प्यारा वाला दिखेगा, बिकॉज उस टाइम मैजिक फ्लाई होती है बिरबिलिंग में, लाइक यहाँ से पैराग्लाइडर्स उड़ते हैं, सो दिस इज़ द टेक ऑफ पॉइंट, एंड यहाँ पे कई लैंडिंग साइट है, ठीक है। तो फिलहाल तो गाइस अभी बंद हो रखी है पैराग्लाइडिंग ना, बिकॉज अगस्त सीजन में बंद हो जाती है ऑलमोस्ट ना, बिकॉज यहाँ पे मानसून रहता है। एंड अभी बेला तो नहीं मिल रही है, आजकल भाग भी जाती है थोड़ा नीचे कहीं खेलने भी। हाँ गाइस लुक एट दिस, हो रही बेला फाइनली मिल गई, हो रहा सीजर, तो सीजर बेला का दोस्त है, तो ये दोनों मस्ती करते हैं, और देखो कहाँ पे जा रही है बेवकूफ गधी, नीचे गिरेगी तो बेला नो, तो ये दोनों मस्ती करते हैं, सीजर उधर रहता है तो बेला भी चली जाती है उस वाले घर में, पर सीजर बंधा हुआ है। सो गाइस अभी बेला भाग चुकी थी जैसा कि आपको पता है, तो अभी इसको हैंडशेक सिखा रही है सौम्या, पूंछ देख रहे हो उसकी, हाई फाई सिखा इसको, हाई फाई दे दे अब इसको।
कुछ बेबी। तो गाइस आज के व्लॉग में बस यही, और आज बहुत ही खूबसूरत दिन के साथ हम इस शाम के ढलने का इंतज़ार कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है अगर उसे अच्छे से जिया जाए। तो इसलिए अपने सेहत का ध्यान रखें, खाते पीते रहें और हंसते रहें। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। This side Booze and Grooze signing off. Till then, love you all.